सब्सक्राइब करिए कुक विद शाहीन को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ खीरे और ककड़ी की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है ये, खाने में ये बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप लोग इसे ज़रूर बनाएं। आइए देखते हैं खीरे और ककड़ी की सब्ज़ी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसे बनाने के लिए मैंने 2 खीरा लिया है और इसे मैंने मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। खीरे का हमें छिलका नहीं उतारना है, छिलके के साथ ही वॉश करके इसे कट करना है। और 2 मैंने ककड़ी ली है, इसे भी मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है, आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। और ये मैंने हरे प्याज का वाइट पार्ट लिया है, 3 लिया है मैंने, और उसको बीच से 2 हिस्सों में कट कर दिया। अगर छोटा है तो बीच से 2 टुकड़ों में कर दीजिए और अगर बड़ा है तो 4 टुकड़ों में कट कर दीजिए। और ये मैंने 10 लहसुन की कलियों को लेकर बारीक कट कर लिया है और 4 हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसे भी बारीक कट कर लिया है। 1 टेबल स्पून सोया सॉस लिया है, 1 टेबल स्पून चिली सॉस लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है और ये 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने पानी लिया है। इससे मैं कॉर्नफ्लोर को घोल कर अपनी सब्ज़ी में डालूंगी और नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। तो आइए देखते हैं खीरा और ककड़ी की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने गैस पर एक पैन रखा है। जब हमारा पैन गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो हम उसमें अपनी प्याज को ऐड करके भून लेंगे। हमें इसे गोल्डन कलर आने तक भूनना है। हमारा प्याज भून गया है, अब हम इसमें लहसुन और हरी मिर्च को ऐड करके इसे भी भून लेंगे। हरी मिर्च की क्वांटिटी अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। मैं इसे थोड़ा स्पाइसी बनाऊंगी इसलिए मैंने इसमें 4 हरी मिर्च ली है। ये हमारा प्याज, हरी मिर्च और लहसुन अच्छी तरह से भून गया है, अब हम इसमें जो मैंने सफ़ेद प्याज काट के रखा था वो ऐड कर देंगे। हल्का सा इसको सॉटे करेंगे। अब हम इसमें ककड़ी ऐड कर देंगे और खीरा भी ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम हम हाई कर देंगे। मैंने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। काली मिर्च ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे और ग्रीन चिली सॉस ऐड कर देंगे। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर मिक्स कर देंगे। ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम गैस की फ्लेम लो करके इसे ढककर 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए हम इसे कुक कर लेंगे। ये हमारी सब्ज़ी को कुक होते हुए 2 मिनट हो गए हैं। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है ये और बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी है ये। अब हम इसमें जो मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था 1 टेबल स्पून, इसमें 2 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे और इसका एक घोल बना लेंगे।
और इस घोल को हम इसमें ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम हाई करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके और इसको लो फ्लेम पर ढककर 2 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे। अब हम इसको ढककर 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर और कुक कर लेंगे। ये हमारी सब्ज़ी को कुक होते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनी है ये। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। आइए इसे सर्व करते हैं। ये हमारी टेस्टी और हेल्दी ककड़ी और खीरे की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। ये बहुत ही टेस्टी होती है, इसे आप लोग ज़रूर ट्राई करें। इसे आप रोटी के साथ सर्व करिए, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है ये। इस मेथड से आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, अपने फैमिली और फ्रेंड को खिलाएं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।